Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. सावन का महीना चल रहा है और आप लोगों के लिए एक सावन स्पेशल क्लास लेके आया हूँ. क्या है वो क्लास? कहीं ना कहीं आपने टेलीग्राम पे देख लिया होगा कि भाई कुछ ना कुछ खतरनाक सा लेके आए. लेकिन उससे पहले कुछ अपनी पुरानी बातें कर लेते हैं. वो क्या है कि भाई देखो, आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और पढ़ाई चालू कर दो. उसके लिए स्ट्रैटेजी पता होना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रैटेजी वीडियो निकाल दी गई है, देख लेना. दूसरी बात, 13 जुलाई से क्या हो रहा है? 13 जुलाई से दो बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए थे कि 13 जुलाई से लॉन्चिंग हो रही है क्रैश कोर्स की. और किसकी क्रैश, और किस चीज़ की लॉन्चिंग हो रही है? पाँच के पंच की लॉन्चिंग हो रही है. ठीक है, कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था रैपिड फायर राउंड सिलॉगिज्म में. अगर ये अभी तक नहीं देखी है क्लास तो जाके देख लेना, बड़ी ही खतरनाक क्लास बनाई थी. अगर ये क्लास में जितने भी क्वेश्चंस थे आप कर पाए या फिर इनसे बहुत कुछ सीख पाए तो आपकी लाइफ में सिलॉगिज्म के लिए बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा. क्योंकि कल हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे ट्विस्ट और बहुत सारे ट्रैप्स थे. अब अगला देख लेते हैं हम. अगली बात क्या है कि भैया सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमने कराए थे, 20 क्लासेस इसकी करी थी हमने, ये हो गई है एंड, ये खत्म हो गई है. और इसकी सारी की सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, वो प्लेलिस्ट देख लेना. उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया. अब आज क्या कर रहे हैं? आज हम करेंगे 3 चैप्टर एक ही क्लास में कंप्लीट. एक रीजनिंग का कंप्लीट महाग्रंथ लेके आया हूं. 3 चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे. वो चैप्टर्स क्या हैं? बात समझ में. देखो दोस्त, हमने अभी तक अपनी जितनी भी शुरुआत से अभी तक काम किया है वो क्या किया है? डायरेक्शन डिस्टेंस कंप्लीट किया, अल्फा न्यूमेरिक कंप्लीट किया और सिलॉगिज्म कंप्लीट किया. ये तीनों के तीनों चैप्टर्स हमने कहीं ना कहीं अपने फिनिश किए हैं, जीरो से लेके हाई लेवल तक पहुंचे थे. अब हम 13 तारीख से कर रहे हैं क्रैश कोर्स का शुभारंभ. वहां पे हम जीरो से फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अपने पिछले 3 चैप्टर्स का रिवीजन बहुत जरूरी है. अगर वो भूल गए, वो करना भूल गए क्या रिवीजन, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हो जाएगा. तो आज मैं जो लेके आया हूं वो लेके आया हूं कंप्लीट रिवीजन अपने लास्ट 3 चैप्टर्स का. दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को अगर आपने इजिली लगा लिया या फिर इजिली नहीं लगा पाए, समझ लिया, तो आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर के एग्जाम्स में देखे गए हैं, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस. तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. आपको हो सकता है देख के डर लग जाए, हो सकता है क्वेश्चन को देख के डर लग जाए, लेकिन घबराना नहीं है. ये आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन. यह है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2020 में आया था. 2020 में आईबीपीएस क्लर्क मेंस में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आया था. और कितने मार्क्स का आया था? इसमें 3 क्वेश्चंस आए थे. इस पूरे पैटर्न पे 3 क्वेश्चंस आए थे और कितने मार्क्स के आए थे? वो 6 मार्क्स के आए थे. मतलब एक क्वेश्चन की जो कीमत थी वो 2 मार्क्स थी. हमने भी यहां पे सिर्फ 3 क्वेश्चंस रखे हैं. ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस इस पूरी इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड हैं. आपने इस इंस्ट्रक्शन को समझना है, इसको सॉल्व करना है, इसको ड्रॉ करना है और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस का आंसर देना. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर, समझा दे रहा हूं करना क्या है. आधों को तो समझ ही नहीं आया होगा है क्या. यहां से यहां तक ये है इंस्ट्रक्शन, कोडेड डायरेक्शन है ना, तो ये है इंस्ट्रक्शन. और यहां पे हमें ये रूट्स दिए हैं, हमें इनको ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करना है? पहले इस वाले रूट को ड्रॉ करो, आफ्टर दैट इस वाले रूट से इस वाले रूट को ड्रॉ करो और फिर इस वाले रूट को ड्रॉ करो. ये तीनों के तीनों रूट एक साथ ड्रॉ होंगे, एक ही डायग्राम बनेगा तीनों रूट्स का. हमें कॉमन चीज ढूंढनी होगी, जैसे कि यहां पे n है और यहां भी n है, तो हम इस n को इस n से जोड़ेंगे और मिला के एक डायग्राम बनाएंगे रूट 1 और रूट 2 का.
और फिर क्या करेंगे, यहां k है और यहां भी k है, तो इन दोनों k को मिलाएंगे और रूट टू और रूट वन से जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें ऐड करेंगे रूट वन का डायग्राम। बात समझ में आई? शुरू हो जाओ। 2 मिनट का टाइमर रखा है मैंने, 2 मिनट में सिर्फ ड्रॉ करो, आराम से ड्रॉ करो, सिर्फ ड्रॉ करो। चलो मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन कैसा लगा पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा, आनंद आया नहीं आया, देख के कुछ नया देखने को मिला नहीं मिला। अब एक बार देखते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है? हम क्या करेंगे यहां पे, ये पूरा हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है और हम इसको करेंगे अब बारी बारी से ड्रॉ, ठीक है? हम इसको करेंगे अब ड्रॉ। मैंने ड्रॉइंग के लिए डिजिटल मेथड का इस्तेमाल किया है क्योंकि अगर पेन से ड्रॉ करूंगा तो टेढ़ा मुच्चा हो जाएगा, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया। हमने क्या करना है, समझना है चीजों को बारी बारी से, ध्यान से देखना। अब सारे काम बंद कर दो और ध्यान से फोकस करो। ओ डॉलर एन, सबसे पहले इस बात को उठाना है। तो ओ डॉलर एन, हमें डॉलर का क्या सिंबल दिया गया है, हमें दिया गया है डॉलर का ये सिंबल कि अगर डॉलर लिखा हो पी डॉलर क्यू तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि पी इज इन द साउथ ऑफ क्यू एंड इट इज इन 15 मीटर्स अवे। यही तो बात है ना, ठीक है? कुछ बेसिक समझ लो। अगर एक ऐसी लिख लेते पी डॉलर क्यू लिखा है ना, तो अगर पी इज इन साउथ ऑफ क्यू है, मतलब इसको इस तरह से पढ़ना है कि जो फर्स्ट एंटिटी है वो दूसरे वाले के साउथ में है। हमने ये देखना है कि फर्स्ट एंटिटी दूसरे वाले के साउथ में है, तो इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना है, सीधा सीधा पढ़ना है। ओ डॉलर एन मतलब पहला वाला दूसरे के साउथ में, मतलब कि ओ साउथ में है एन के, यही ना? अभी देखो चीजें क्यों ये बदलेंगी, मैं ये क्यों बता रहा हूं, आगे बदल जाएगा। यहां देखो एन एंड एम, तो एंड का क्या मतलब है, यहां पे उल्टा हो गया कि अगर प्यू पी पी एंड क्यू ये लिखा है तो यहां पे हो जाएगा क्यू इज इन वेस्ट ऑफ पी, मतलब पहला और दूसरा, तो यहां पे दूसरा वाला वेस्ट में है पहले वाले के। तो यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा क्या कर देना है, एन एंड एम मतलब एम जो है वो वेस्ट में है एम के। सीधा सीधा फंडा ये अपनाना है कि जो दूसरा वाला है वो पहले वाले के ईस्ट में है या वेस्ट में है, जो भी चीजें दे रखी हैं वो आपने कर लेनी।
वन और टू अगर इस तरीके से करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, बजाय अगर आप चीजों को लेटर्स के थ्रू ऑक्यूपाई करने की कोशिश करो। अब एक बार देख, सबसे पहला है ओ डॉलर एन, तो ओ इज इन साउथ ऑफ एन और कितना है 15 मीटर, ये हमने बना लिया कि एन के साउथ में ओ है 15 मीटर। फिर लिखा है एन एंड एम, मतलब कि एम जो है वो ईस्ट में है एन के, और कितना ईस्ट में है दोस्त, 5 मीटर ईस्ट में है, तो हमने यहां पे 5 मीटर लिख दिया। फिर क्या लिखा है एम हैश टी, मतलब कि एम हैश टी का क्या मतलब है कि टी इज इन द नॉर्थ ऑफ एम, यहां लिखा है, ये लिखा है, एरो गलत हो गया, ठीक है, कि भैया जो टी है वो कहां है नॉर्थ में, किसके एम के, तो ये ऐसे बना दिया, कितना है 8 मीटर है। फिर आगे लिखा है टी परसेंटेज आर, मतलब कि टी सॉरी आर इज इन द ईस्ट ऑफ टी और कितना है 20 मीटर, तो आर इज इन द ईस्ट ऑफ टी, तो आर कहीं इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में हमने बना दिया कि आर इज इन द ईस्ट ऑफ टी। क्लियर हो गया इतना बात। अब आगे लिखा है मिक्सचर वाला सिंबल, मिक्सचर वाले सिंबल है, मिक्सचर वाले सिंबल में क्या है कि अगर हैश और परसेंटेज एक साथ आ जाए, जैसे यहां लिखा है हैश और परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा कि अगर पी और क्यू लिखा है तो यहां पे क्यू और पी हो गया, मतलब पहली चीज तो ये उल्टा हो गया, ठीक है, मतलब एस इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर, है ना, तो एस इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर, तो नॉर्थ ईस्ट इसी डायरेक्शन में होता है, तो एस जो है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा, एस इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर, बना लिया। हमने रूट वन तो बना लिया, अब हमें इसी रूट वन में रूट टू को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे दोस्त, ऐड करेंगे किसी एक कॉमन लेटर से, और कॉमन लेटर हमें मिल रहा है एन, एन हमें कॉमन लेटर मिल गया, तो भैया एन को उठाया ओ एक्सक्लेमेशन सॉरी यू एक्सक्लेमेशन एन, तो यू कहां है, यहां है सॉरी एक्सक्लेमेशन, ठीक है, तो यहां पे इसका क्या मतलब है कि यू इज इन द ईस्ट ऑफ एन, तो एन यहां पे है, एन के ईस्ट में यू हो जाएगा और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अच्छा बात समझना, ये था 20 और ये था 5, तो ये बचा हुआ 15 इसके पैरेलल में जाएगा ना, पैरेलल में ही तो जाएगा, तो हमने बनाया कि भैया यू जो है वो 15 है एन के, और वो यू और आर पैरेलल में आ गए, बात समझ आई। अब पढ़ लो इसको कि भैया वी डॉलर यू उल्टा चलना है, हमें क्यों मजबूरी है हमारी, हमें रिलेट कर रही है ना चीजों को, तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, वी है डॉलर यू, तो डॉलर का मतलब हमें बताया गया था पहले साउथ, मतलब वी इज इन द साउथ ऑफ यू, तो यू के साउथ में वी है 15, अच्छा ये भी 15 है ये भी 15 है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना, पैरेलल बना दिए। आगे लिखा है W परसेंटेज V, तो W किधर है सॉरी परसेंटेज किधर है, यहां पे, मतलब कि V इज इन द ईस्ट ऑफ W, तो V अगर किसी के ईस्ट में है तो वो इंसान तो यही होगा ना, तभी तो उसके ईस्ट में जाएगा, W के ईस्ट में है V, तो V इस साइड ही तो होगा और W इस साइड होगा, तो हमने बना दिया कि भाई 15 मीटर ईस्ट में है, तो इस तरीके से बना दिया, कितना सॉरी 20 मीटर, 20 मीटर ईस्ट में है, तो ये 5 था ये 15 था, तो ये टोटल 20 हो गया, हमने M और W को पैरेलली बना दिया। अब क्या लिखा है K एट द रेट W, तो भैया एट द रेट का क्या मतलब है नॉर्थ, और सीधा सीधा मतलब है कि भैया जो K है वो W के नॉर्थ में है 10 मीटर, तो W के नॉर्थ में K 10 मीटर हो जाएगा। अच्छा ये है 15 और ये है 10, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होगा, नहीं होगा, वो बना दिया डिफरेंस। आगे की कहानी देखते हैं कि पी कॉपीराइट के, कॉपीराइट का मतलब है वेस्ट, मतलब पी इज इन द वेस्ट ऑफ के, तो के वेस्ट में पी आ जाएगा, इस तरीके से हमने बनाया कि भैया के वेस्ट में पी आएगा, सॉरी यहां पे इसको पी कर लो, ठीक है, ये पी हो जाए,
इसको हम चेंज कर देते हैं, यहां पे इस जगह पर हो जाएगा P, क्लियर बात, चेंज हो गया, ठीक है। अब आगे की कहानी देखते हैं एक बार, रूट थ्री क्या है, रूट थ्री में हमें K जो है वो कॉमन मिल रहा है ना, अगर K कॉमन मिल रहा है तो K को उठाओ, K स्टार A, स्टार का क्या मतलब है दोस्त, उल्टा, साउथ, साउथ में उल्टा जाना है, मतलब कि A इज इन द साउथ ऑफ K, तो K के साउथ में 20 हो जाएगा A, तो 10 तो ये हो गया, 10 और आ जाएंगे, 10 और आएंगे ना, ठीक है, तो 10 और बना दिया। डायग्राम को देखते रहना, रिलेट करते रहना, समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट आ रहा है तो डायग्राम को आराम से देखो, बहुत ही क्लियरली बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे देखो भैया, ए एंड बी, तो एंड का क्या मतलब है, वेस्ट, और उल्टा हो जाएगा, मतलब बी इज इन द वेस्ट ऑफ, बी इज इन द वेस्ट ऑफ ए, तो ए के वेस्ट में बी है, हमने इधर बना लेना है, तो बी बना लिया और 5 मीटर है। आगे कहानी लिखी है, बी हैश सी, तो हैश का क्या मतलब है, नॉर्थ, मतलब सी इज इन द नॉर्थ ऑफ बी, तो बी के नॉर्थ में सी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा दोस्त, 8 मीटर। अच्छा ये है 10, तो 8 मीटर थोड़ा सा तो कम होगा ना इससे, तो हमने थोड़ा सा कम बना लिया, थोड़ा सा डिस्टेंस उसमें बचा लिया। आगे की कहानी है, सी हैश डी, मतलब कि डी इज इन द नॉर्थ ऑफ सी, और कितना, 8, तो फिर से बना दिया, डी इज इन द नॉर्थ ऑफ सी, और कितना है, 8 है, तो मतलब अब यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है दोस्त, ये है 4 मीटर, क्यों, क्योंकि टोटल था 20 और ये है टोटल 16, तो ये 4 मीटर का डिस्टेंस अभी बचा है हमारा, ठीक है। आगे की कहानी क्या लिखी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डॉलर कॉपीराइट, डॉलर कॉपीराइट यहां पे है, अच्छा डी डॉलर कॉपीराइट ई, यहां पे हमने इस चीज को उल्टा कर दिया है कि अगर क्यू डॉलर कॉपीराइट पी लिखा है तो उसका क्या मतलब है, पी साउथ वेस्ट है क्यू के, मतलब दूसरा वाला एंटिटी पहले वाले के साउथ वेस्ट में है, मतलब ई साउथ वेस्ट में होगा डी के, तो डी किधर है, इधर, इसके साउथ वेस्ट में होगा कौन, ई, कितना होगा, 32, ये बनाना था, कैसे बनाना था, ऐसे बनाना था कि भैया जो डी है उसके साउथ ईस्ट में, सॉरी साउथ वेस्ट में कौन है, ई है, और कितना है, 32 मीटर है, बात क्लियर हो गई। तो ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बनना था कुछ ऐसे, इस डायग्राम को बनाने के लिए आपने सिर्फ 2 मिनट लेने हैं, 2 मिनट में हो जाएगा, जो टाइम मैंने लिखा है ना 2 मिनट, उस 2 मिनट में हो जाएगा, और उसके बाद आप देखना जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके ऐसे होंगे, ऐसे। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, R is how far and in which direction with respect to V, तो V है इधर, R है इधर, R is in which direction and how far, तो भैया देखो 15 ये है और 8 ये है, 15 8 होता है 23, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, तो नॉर्थ में 23, इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, बात समझ में आई, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, और 30 सेकंड का टाइमर शुरू किया, 30 सेकंड का टाइमर है, बनाओ, बताओ, डायग्राम मैंने आपके सामने रख दिया, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टी एंड ए, तो टी है हमारा यहां पे और ए है हमारा यहां पे, हमें बताना है इसके बीच का पूरा डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे बताएं, तो भैया देखो ये है 10, ये है 15, इसको पेन को चेंज कर ले, क्या है, ये है डिस्टेंस 10 और ये डिस्टेंस है 15 और ये डिस्टेंस है 8, टोटल यही तो होगा ना, तो 10 और 15 25, 25 और 8 33, 33 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, बात समझ में आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 33,
अगला क्वेश्चन देखो, 30 सेकंड का टाइमर शुरू किया है, जल्दी से देखो। चलो भाई अब देखते हैं, n इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू e, e के रिस्पेक्ट में, e किधर है, e ढूंढो फटाफट से, e ढूंढो, e e e e e कहाँ है, e कहाँ है, e कहाँ है, ये रहा e, e सॉरी n इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू e, अब n कहाँ है, यहाँ, n किस दिशा में है e के, सॉरी हाँ n किस दिशा में है e के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने तीनों क्वेश्चन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किए होंगे, तीनों क्वेश्चन, लेकिन जो टाइम लगा वो सिर्फ इस डायग्राम को ड्रॉ करने में लगा, और इस डायग्राम को ड्रॉ करने में तकलीफ नहीं है, सिर्फ लेंथी है। अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप खुद सोच के देखो, क्या ये आपके 6 मार्क्स विद इन 3-4 मिनट्स नहीं मिल जाएंगे, और रीजनिंग में मेंस के लिए कहीं ना कहीं हमें, अगर हम IBPS या IBPS PO या क्लर्क की बात करें, हमें 1 घंटा दिया जाता है, 60 मिनट्स इन रीजनिंग पोर्शन, 60 मिनट में 5 मिनट में आप 60 मिनट के अंदर आपने 5 मिनट के अंदर अंदर 6 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, अब अगले 55 मिनट में कितना मार्क्स स्कोर करोगे सोच के देखो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बात को समझो, गहराई को पकड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये है अल्फा न्यूमेरिक का, टाइमर स्टार्ट किया है, फटाफट से शुरू हो जाओ। ऐसे क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट 2020 में देखे गए, किसमें, आरबीआई असिस्टेंट 2020 के आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखे गए। जल्दी बताओ, भाई देखो हमें लिखा है यहां पे, इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर, इवन नंबर कौन से हैं, ये और ये, इसमें 2 ऐड कर दिया जाए टू एवरी फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट में 2 ऐड कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर, तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 5 हो गया, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हमने लाइन से लिखे हैं, 657 का ये है पहला डिजिट, 412 का ये है पहला डिजिट, 568 का ये है पहला डिजिट, 413 का ये है, और 652 का ये फर्स्ट डिजिट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वॉट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट ये हो जाएगा, और सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा, ठीक। तो 568 इसको क्या कर देंगे हम, 768, और 5 वाले नंबर है 657, मतलब कि 557, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 1 1 और 2 2 1 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब था। आपको ना देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करना पड़ेगा, हर चीज को अगर लिखोगे तो आपका समय जाएगा, कम से कम लिखो, ज्यादा से ज्यादा समझो, ज्यादा से ज्यादा समझो, कम से कम लिखो, और अगला क्वेश्चन देखो, टाइमर स्टार्ट कराए फटाफट से। देखो अब हमसे क्या बोला गया है, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
मतलब जो 657 है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 5, 6, 7, 6, 5, ये हो जाएगा इसका अरेंजमेंट, न्यू अरेंजमेंट। तब क्या बोला है कि भैया स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर वही होगा जिसकी पहली डिजिट सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे बड़ी डिजिट सारे नंबर्स की लिखनी है और सबसे बड़ी डिजिट में जो भी डिजिट हमें सबसे बड़ी मिल जाए वो है हमारा लार्जेस्ट नंबर। तो ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। अब इसका क्या करना है, इसका करना है सम ऑफ द डिजिट्स। तो 5 + 6 + 8 कितना हो जाएगा, 6 + 8 कितना होता है 14, 14 + 5 = 19 और 19 का स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं है भैया किसी को, वो क्या होता है 361 होता है 19 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया, जल्दी बताओ। अब देखो हमसे बोला गया रिजल्टेंट निकालो, किसका रिजल्टेंट, इफ द मिडिल डिजिट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है दोस्त, सेकंड लार्जेस्ट है 657, इसका मिडिल डिजिट है 5, इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड स्मॉलेस्ट। अब सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है जल्दी बता दो, सेकंड स्मॉलेस्ट है ये और इसका कौन सा फर्स्ट डिजिट, मतलब कि 4 यहां आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा, आंसर बताओ जल्दी से, 1.1 कितना आएगा 10 हो जाएगा ना, तो 2 और 5, 1.25 आंसर ऑप्शन में नहीं है, none of these इसका आंसर आ जाएगा, 1.25 हमारा आंसर आएगा। सारे ही ऑप्शंस कहीं ना कहीं बड़े सारे क्लोज हैं लेकिन हमने डिवीजन सही से करना है और नन ऑफ दीज आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, 30 सेकंड का टाइमर शुरू हुआ, जल्दी आगे और भी खतरनाक क्वेश्चन लाया हूं, आज बहुत कुछ सीख के जाओगे, जल्दी से करो। चलो भाई हमसे बोला है इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को क्या करना है अदला बदली कर देनी है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम इन द मिडिल व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले तो सेकंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट की जगह पर ले आओ, तो पहली वाले नंबर में 5 हो जाएगा, इधर 1, इधर 6, इधर 1, इधर 7। अब क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है, तो पहले 1, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो 5 वाला आंसर मिडिल में आ जाएगा, मतलब 5 वाला 657 इसका आंसर हो जाएगा, 657 मतलब कि 567, तो 567 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब था। आपने किया कैसे, आपने सबसे पहले देखो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है, तो हमने यहां पे सभी नंबर्स की सेकंड डिजिट को लिखा, क्यों, क्योंकि सेकंड डिजिट सबसे पहले आ जाएगी ना, अगर हम फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो सेकंड डिजिट फर्स्ट डिजिट की जगह आ जाएगी और फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट की जगह चली जाएगी, सेकंड डिजिट सबसे पहले आ गई। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 1 वाला नंबर आएगा ना, फिर 1 वाला आएगा, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, तो जो मिडिल में है वो 5 वाला ही तो नंबर है, अब 5 वाला नंबर है ये, यही वाला तो नंबर था ना पहला वाला, तो इसको कर दिया हमने आंसर, क्या हो जाएगा 567 इसका सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन देखो, 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया, जल्दी से करो फटाफट बता दो।
चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर. देखो हमें लास्ट डिजिट हर नंबर के लास्ट डिजिट से वन सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर बताना है हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय फोर. अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इवन नंबर्स को मैं वन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये ऑड बन जाएंगे, और अगर ऑड बन जाएंगे तो क्या कभी फोर से डिविजिबल हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे. तो आपने क्या करना है, इनको तो रेस से बाहर कर देना. कहें अब 657 और 413 इनको देखना है, तो ये हो जाएगा 656 और ये हो जाएगा 412. क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ है. क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो 125 और ये हो जाएगा 24 और 16. सही, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है. आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2. इसके दो नंबर ऐसे थे जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे थे. बात समझ में आई? समझ में आया? अप्रोच समझ आई? आपने तीन नंबर्स को पहले ही रेस से बाहर कर दिया, जो बचे रिमेनिंग थे उनको फटाफट से डिवाइड करके देख लिया. अब अगला आ गया आपका सबसे फेवरेट, और वो फेवरेट क्या है? वो है सिलोगिज्म. ये सिलोगिज्म का वो क्वेश्चन है जो कल मैंने शाम को क्विज में कराया था. टेलीग्राम चैनल पे ये क्विज कराई गई थी, वहां पे ये क्वेश्चन आया था. बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, सर ये कैसे सही हो गया, ये कैसे गलत हो गया. तो उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि मतलब हाँ इसको मैं समझा दूँ. अगला 30 सेकेंड आपका शुरू हो गया है, बताओ जल्दी. हाँ भाई जल्दी से देख लेते हैं भैया. क्वेश्चन नंबर 9, सम स्क्वायर्स आर सर्किल, बना लिया. नो सर्किल इज ट्राइंगल, बना लिया. नो लाइन इज स्क्वायर, ये भी बना लिया. अब देखना है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन देख लो. पहला है ऑल स्क्वायर्स कैन बी ट्राइंगल. क्या सारा का सारा स्क्वायर ट्राइंगल हो सकता है? दोस्त ये नहीं हो सकता है. एक दो बच्चे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद भावेश नाम का एक लड़का था. दोस्त ये नहीं हो सकता. क्यों? ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल. अगर मैं आपसे ये पूछूं ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल तो आप कहोगे फॉल्स है, ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? अच्छा ये चलो हटाओ, ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल ये तो फॉल्स हो गया. आप मुझे बताओ सम स्क्वायर आर नॉट ट्राइंगल, क्या ये बात सच है कि गलत? ये बात सच है. कौन सा पार्ट ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल नहीं है? ये पार्ट स्क्वायर का ट्राइंगल नहीं है. अगर ये पार्ट स्क्वायर का ट्राइंगल नहीं है तो क्या कभी भी सारा का सारा स्क्वायर ट्राइंगल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो ऑल स्क्वायर्स कैन बी ट्राइंगल फॉल्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा नहीं होगा. अगला है नो स्क्वायर इज लाइन. तो स्क्वायर और लाइन में तो पहले से ही कोई रिश्ता नहीं है, तो ये बात तो सही है. तो इसी का इसका इसीलिए आंसर था ऑप्शन नंबर 2, कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज. यही आंसर था, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. आपका डायग्राम सेम रहेगा, सिर्फ कंक्लूजन्स बदले हैं. 30 सेकंड का टाइमर दिया, फटाफट से. चलो भाई अब देखते हैं एक बार इसके कंक्लूजन. ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी ट्राइंगल. देखो स्टार्टिंग ऑफ द सिलॉग्स मैंने आपको बताया था कि कैन बी और कैन नेवर बी, इन दोनों में फर्क है. कैन नेवर बी इज अ डेफिनेट केस, ये पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है, ये डेफिनेट केस होता है. कैन नेवर ये डेफिनेट बोला जाता है, कैन नेवर डेफिनेट होता है, कैन नेवर डेफिनेट होता है, कैन नेवर डेफिनेट होता है. ये बात अपने दिमाग से हटाना मत. यहां कैन लगा इसका ये मतलब नहीं कि ये पॉसिबिलिटी है. कैन नेवर मतलब डेफिनेट. ठीक है, तो बोल रहा है क्या स्क्वायर का सारा हिस्सा कभी भी ट्राइंगल नहीं हो सकता? हाँ ये बात सच है.
क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा स्क्वायर का कभी भी ट्राइंगल नहीं होगा, तो सारा का सारा स्क्वायर कभी भी ट्राइंगल नहीं हो सकता। और बोला है सम लाइंस आर सर्किल, लाइन और सर्किल में आपस में कोई भी रिलेशन मुझे नहीं पता, इसीलिए ये जाएगा सी एंड डी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। बात समझ आई? कैन नेवर डेफिनेट केस होता है, पॉसिबल केस नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, टाइमर स्टार्ट किया है। ये इसका डायग्राम बनेगा। सम लिटरेचर्स आर स्कॉलर, ओनली अ फ्यू स्कॉलर्स आर इंग्लिश, ऑल नॉवेल्स आर स्कॉलर एंड नो इंग्लिश इज लिटरेचर। आपने डायग्राम बना लिया। अब लिखा है कंक्लूजन, ऑल नॉवेल्स कैन बी बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर। ये बात डेफिनेटली गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्त मुझे एक बात बताओ, अगर नॉवल का कुछ हिस्सा इंग्लिश है, सॉरी सारा का सारा, ऑल लिखा है ना, तो नॉवल का सारा हिस्सा अगर इंग्लिश है तो वही सारा का सारा हिस्सा लिटरेचर भी होना चाहिए, यही तो बोला गया कंक्लूजन में। तो अगर वो नॉवल का वो हिस्सा जो इंग्लिश में चला गया, फॉर एन एग्जाम्पल नॉवल यहां आ गया, और यही हिस्सा लिटरेचर भी हो जाए, तो क्या लिटरेचर और इंग्लिश में रिश्ता नहीं बन जाएगा? और वो हमको मना किया गया है ना कि लिटरेचर और इंग्लिश में कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला लिखा है ऑल लिटरेचर्स कैन बी नॉवेल, तो ये बात सही हो जाएगी कि हाँ लिटरेचर का सारा हिस्सा नॉवेल हो सकता है। ऑप्शन नंबर टू इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट कर दिया है। ये आपने डायग्राम बनाया, ओनली अ फ्यू एडमिरेशन लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो, ठीक है, एडमिरेशन आर अमेजिंग, ऑल अटेंशंस आर अमेजिंग, ओनली अ फ्यू अटेंशंस आर सर्टिफिकेट एंड नो सर्टिफिकेट इज कल्चर। अब कंक्लूजन लिखा है सम एडमिरेशंस, एडमिरेशन मतलब कि एडमायर करना, some admirations are definitely not attention, क्या admiration का कुछ हिस्सा attention नहीं है? अच्छा ये definitely जो है ना, अगर इसको हटा भी दिया जाए तब भी कोई फर्क हमारे conclusion पर नहीं पड़ेगा, ये definitely सिर्फ आपको थोड़ा सा confuse करने के लिए add कर दिया जाता है। ये सम नॉट का relation ही बोला गया है कि सम एडमिरेशंस आर डेफिनेटली नॉट अटेंशन, तो क्या एडमिरेशन का कुछ हिस्सा अटेंशन नहीं है? हाँ भैया नहीं है। कौन सा हिस्सा नहीं है? एडमिरेशन का ये हिस्सा अगर अमेज में नहीं जाएगा तो क्या ये कभी भी अटेंशन में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जहां पे हमने ये बोला था कि भैया कैंटीन क्लासरूम ग्राउंड, याद आया? उसमें क्या था कि भैया कुछ ऐसा था कि ऑल ग्राउंड्स आर कैंटीन, ऐसा कुछ था,
और बोला गया था कि मतलब कुछ क्लासरूम से कनेक्शन था, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको इस तरह से समझो कि एडमिरेशन, अगर आप ये समझना कि जो अमेज है वो आपका कमरा है, ठीक, वो आपका कमरा है और अटेंशन आप हो। अब एडमिरेशन अगर आपके कमरे में नहीं आएगा तो क्या वो आपके पास आ पाएगा? नहीं ना। कल उल्टा था, कल आपसे एडमिरेशन का मतलब कल जो था वो था कि ये सम पार्ट इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जा सकता था। कल छोटे वाले सर्कल से रिलेशन था सम नॉट का, तो बड़े वाले सर्कल से कैन नॉट भी डिटरमाइंड हो गया था। आज जो सम नॉट का रिलेशन है वो बड़े वाले सर्कल से, जो सम नॉट का रिलेशन है वो अमेज के साथ, तो अमेज के साथ अगर सम नॉट का रिलेशन है तो वो अटेंशन में तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, तो ये बात सही हो जाएगी। अगला लिखा है ऑल कल्चर्स बीइंग अटेंशन, कल्चर का पूरा हिस्सा अटेंशन हो, क्या इसकी संभावना है? हाँ भैया है, कल्चर पूरा का पूरा अटेंशन में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, टमाटर और आलू आ गया है, टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी से ले लो। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखे हैं कि सम पोटैटोज आर टोमेटो, सम टोमेटोज आर अनियन, ऑल टोमेटोज आर ब्रिंजल एंड नो ब्रिंजल इज कैप्सिकम। ऑल कैप्सिकम्स आर पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कैप्सिकम का सारा हिस्सा पोटैटो में जा सकता है? हाँ भैया जा सकता है। सम पोटैटोज विच आर टोमेटोज, ये वाला हिस्सा Being onion is a possibility. हाँ भैया ये हो सकता है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे जा सकता है, है ना? Can भी लगा ना, तो can भी तो मतलब possibility, तो मतलब सब सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Both one and two follows. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आया है आपके सामने हमारा, आपका फेवरेट और एग्जामिनर का भी फेवरेट, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। एक वर्ड है एंजेला मार्केल, आपने बताना है इसमें कितने पेयर बन रहे हैं लेटर्स के। अब ये एंजेला मार्केल कौन है? ये जर्मनी की चांसलर है, और अगर बात करें वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन में तो इनका जो नाम आता है वो चौथे नंबर पे आता है अमंग ऑल पर्सन्स, और लेडीज में ये पहले नंबर पे हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन्स में लेडीज में फर्स्ट नंबर पे हैं और टोटल में चौथे नंबर। पहले नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरे नंबर पे हमारे व्लादिमीर है, और तीसरे नंबर पे कौन है? जिंगपी, जी जिंगपी जो भी है चाइना वाले, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पे है, चांसलर है जर्मनी की। आपने अपना आंसर बताना है, टाइमर स्टार्ट, जल्दी बताओ। देखो भाई, टाइम तो 30 सेकंड ऐसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, इस टाइप के क्वेश्चन। आपने सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है, फटाफट से देख लो क्या है सीन। वन के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आपका एक पेयर बना ए से एल का। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, नहीं। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये बन गया है।
फिर 12 के बाद 13, 14, 15, 16 नहीं है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, फिर 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है, 5 के बाद 6, 7 नहीं है, और 18 के बाद भी नहीं है, 11 के बाद नहीं, 5 के बाद नहीं। फॉरवर्ड में हमें कितने मिले, दो पेयर मिले फॉरवर्ड में, अभी बैकवर्ड आना है, ठीक। एल से 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये एक पेयर मिला 5 से 14 का, मतलब E से N का। इसके बाद हमें कोई भी पेयर नहीं मिलेंगे, आप चेक करके देख लेना, चेक करके देख लेना। हमें बैकवर्ड में एक और मिल गया, कितने पेयर आ गए, 3 पेयर हमें मिले हैं इस क्वेश्चन में। एंजेला आपके लिए वर्ड था, उसमें हमने 3 लेटर्स के पेयर ढूंढ लिए हैं, ठीक, बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फिर से आपका फेवरेट सिलोगिज्म। 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया, जल्दी से करो, फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए। कंक्लूजन लिखा है, सम इंक कैन बी चॉक, या इंक का कुछ हिस्सा चॉक हो सकता है। हां भैया, हो सकता है, इंक का कुछ हिस्सा चॉक हो सकता है। आगे लिखा है, सम पेन्स आर नॉट चॉक, क्या पेन का कुछ हिस्सा चॉक नहीं है। हाँ भैया, नहीं है। कौन सा हिस्सा, ये कॉमन पोर्शन जो पेन और पेंसिल का है, ये कभी भी चॉक में नहीं जाएगा। फिर लिखा है, सम पेंसिल्स आर नॉट इंक, तो ये जो पेंसिल का हिस्सा जो पेन के साथ है, ये कभी भी इंक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज ऑप्शन नंबर 4, ऑल फॉलोज इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, टाइमर स्टार्ट। चलो भाई कंक्लूजन देखते हैं, नो लॉयर इज इंजीनियर, क्या लॉयर का कोई भी हिस्सा इंजीनियर नहीं है, ये बात सच है। क्यों, क्योंकि जब डॉक्टर और इंजीनियर में कोई रिश्ता नहीं है, तो डॉक्टर के अंदर आ रहा है ना लॉयर, तो लॉयर भी रिश्ता नहीं रखे। सम एक्टर्स आर नॉट इंजीनियर, क्या एक्टर्स का कुछ हिस्सा इंजीनियर नहीं है। हाँ बात सच है, एक्टर्स का ये हिस्सा इंजीनियर नहीं है, ये बात सच हो गई। फिर लिखा है, ऑल डॉक्टर्स कैन बी एक्टर, क्या डॉक्टर्स का सारा हिस्सा एक्टर हो सकता है। हां बात सच है, डॉक्टर पूरा का पूरा उठ के एक्टर में जा सकता है, लेकिन एक्टर पूरा का पूरा उठ के कभी भी लॉयर में नहीं आ सकता, लॉयर में नहीं आ सकता। वो डॉक्टर में तो जा सकता है, लॉयर के साथ सम नॉट का रिलेशन है, ना कि डॉक्टर के साथ यहां, ठीक है। तो इसके भी तीनों के तीनों फॉलोज हो जाएंगे, ऑल फॉलोज ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, ये एक खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है, जल्दी से करो। भाई देखो, स्टेटमेंट हमने बना लिया है सारा, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सम ट्रक आर कार, क्या ट्रक का कुछ हिस्सा कार है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सम जीप्स कैन बी ट्रॉली, ट्रॉली वर्ड तो है ही नहीं,
जीप के साथ ट्रॉली का क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता, तो उसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी ना। देखो कोई भी वर्ड अगर आपके स्टेटमेंट में नहीं गिवन है तो उस वर्ड से रिलेटेड सभी पॉसिबिलिटी सही हो जाती हैं, ठीक है, बशर्ते बस ओनली के साथ ना जोड़ा गया हो उसे। सम ट्रक्स आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ट्रक्स का कुछ हिस्सा ट्रेन है इसकी संभावना है? हां भैया संभावना है। नो ट्रक आर कार, क्या ट्रक का कोई भी हिस्सा कार नहीं है? मुझे नहीं पता। सी एंड डी आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड? नहीं, इसका आंसर सेकेंड एंड थर्ड नहीं है, नन ऑफ दीज है। फिर कैसे? तो भैया पहले और आखिरी में क्या आइदर और नहीं लगेगा? आइदर और लगेगा ना। नो सम का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों के दोनों कंक्लूजन सी एंड डी है, तो क्या हो जाएगा, आइदर वन और फोर एंड टू एंड थ्री फॉलोज, ये आपका सही जवाब होगा कि पहले और चौथे में आइदर और है, फिर है आपका दूसरा और तीसरा फॉलो, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर था। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, मजेदार लगा हो, समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो और दिमाग की बत्ती जली हो, तो भैया लाइक कर देना वीडियो को और अगला क्वेश्चन कर लो। भाई देखो कंक्लूजन देखते हैं, सम आरबीआई आर नॉट बीओबी, क्या आरबीआई का कुछ हिस्सा बीओबी नहीं है? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। फिर लिखा है सम एसबीआई आर नॉट आईओबी, क्या एसबीआई का कुछ हिस्सा आईओबी नहीं है? तो ये बात सच है, क्यों? क्योंकि देखो एसबीआई का वो हिस्सा जो बीओएम के पास है और बीओएम का कुछ हिस्सा आईओबी नहीं है, तो ये जो हिस्सा है ये बाय डिफॉल्ट एसबीआई का ही तो हिस्सा है, हाँ या ना? तो ये बात सच हो जाएगी कि हाँ एसबीआई का कुछ हिस्सा आईओबी नहीं है। अगला लिखा है सम एसबीआई आर नॉट आरबीआई, क्या एसबीआई का कुछ हिस्सा आरबीआई नहीं है? हाँ ये भी सच है, क्यों? क्योंकि एसबीआई का जो हिस्सा है वो है बीओएम और बीओएम पूरा का पूरा आरबीआई नहीं है, तो मतलब कि पीओएम आरबीआई नहीं है, तो बीओएम तो एसबीआई है ना, एसबीआई का हिस्सा है, तो एसबीआई का कुछ हिस्सा आरबीआई नहीं है, ये बात भी सच हो जाएगी। टू और थ्री का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू सही आंसर था। अगला एक और सिलॉग से, इसके बाद एक खतरनाक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये क्वेश्चन करो फिर बढ़िया क्वेश्चन आ रहा। चलो भाई कंक्लूजन देखते हैं, सम मिलिटेंट्स कैन बी अवेंजर, अवेंजर क्या कहीं स्टेटमेंट में था? नहीं था। मिलिटेंट्स यहां पे हैं, क्या मिलिटेंट्स का कुछ हिस्सा अवेंजर हो सकता है? हाँ हो सकता है, मुझे नहीं पता कि अवेंजर होंगे या नहीं होंगे, कैन बी लगा है तो सही होगा। सम कमांडोज आर जर्नलिस्ट, सॉरी नॉट जर्नलिस्ट, कमांडोज का क्या कुछ हिस्सा जर्नलिस्ट नहीं है? हाँ बात सच है, ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि कमांडोज किसके अंदर है? पुलिस के अंदर, पुलिस और जर्नलिस्ट में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो जब पुलिस में कोई रिलेशन नहीं है तो कमांडोज में भी कोई रिलेशन नहीं हो। अगला लिखा है सम मिलिटेंट्स आर नॉट जर्नलिस्ट, क्या मिलिटेंट्स का कुछ हिस्सा जर्नलिस्ट नहीं है?
हाँ ये हिस्सा जो है मिलिटेंट्स का, ये जर्नलिस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पुलिस के साथ अटैच्ड है और पुलिस पूरा का पूरा जर्नलिस्ट नहीं है, इसीलिए सम मिलिटेंट्स आर नॉट जर्नलिस्ट, ये बात सच हो जाएगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑल फॉलोज, ऑप्शन नंबर 5, ऑल फॉलोज। अगला ये क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नया है, लेकिन आंसर गलत होगा इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूं, तो ट्राई करो। हाँ भाई, सेकेंड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द लेटर्स फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड सेवेंथ फ्रॉम द गिवन वर्ड वनरस। अगर कोई भी वर्ड ना बने तो एन आंसर मार्क कर दो, अगर मोर देन वन वर्ड बने तो आंसर क्या मार्क कर दो? एम। आंसर क्या है मुझे बताओ? अगर आंसर, चलो जो जो भी वर्ड्स बताओ, तो वर्ड्स देखो, एक तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, जो बड़े दिनों से किसी को नहीं मिला होगा, लॉकडाउन के चलते बेचारे इंतजार कर रहे होंगे कि कोई तो देगा, कोई दे ही नहीं पा रहा है, सब लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। क्या है वो? रोज, आर ओ एस ई, ये इन लेटर्स से ये रोज बना, ये वर्ड बना सकते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और वर्ड बन रहा है? हाँ भैया, एक और वर्ड बन रहा है, सोर, एस ओ आर ई। ये क्या होता है? ये होता है एक एक मतलब ना, हर्ट करना, पेनफुल चीज, सोर, जैसे सोर थ्रोट होता है ना कि मतलब सोर थ्रोट, गले में दर्द हो रहा है, तो सोर थ्रोट मतलब पेनफुल चीज, सोर मतलब पेन। क्या? तो भैया रोज अगर नहीं मिला तो पेन तो होगा ही ना, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही जवाब इसका एम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चल दोस्त, आज के लिए रखेंगे इतना ही, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो आप मुझे बता देना मैं आपके लिए क्या। देखो अब हम क्या करेंगे, सैटरडे एंड संडे आरबीआई आ गया है, तो आरबीआई के लिए सैटरडे एंड संडे हम क्या करेंगे, हम करेंगे मॉक टेस्ट, सैटरडे को पार्ट वन, संडे को पार्ट टू। अब आप मुझे बताओ कि कल सैटरडे है, कल मैं क्लर्क का मॉक लेके आऊं या पीओ का? जल्दी से मुझे बता देना कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर में से मेमोरी बेस्ड पेपर क्लर्क का लेके आऊं, आरबीआई, सॉरी आरबीआई करो, आरआरबी, आरआरबी का क्लर्क का पेपर लेके आऊं या पीओ का, जल्दी से मुझे बता देना। मैं टेलीग्राम पे भी इसका पोल अभी करूंगा, तो पोल पे सभी लोग जवाब देना कि आरआरबी का क्लर्क पेपर लाना है कल या पीओ का। बात क्लियर है? मिलेंगे अगली क्लास में, और शाम की 6 बजे की वीडियो देखना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay safe.